हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद शालू। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है दही वाला पनीर। जी हाँ, थोड़ा अलग हटके बनाते हैं पनीर को, जिसमें ना हम प्याज डालेंगे, ना टमाटर डालेंगे, ना लहसुन, ना अदरक। तो बहुत ही सादे तरीके से लेकिन बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने लिया करीब 200 ग्राम पनीर है ये, जिसको क्यूब्स में काट लिया है। और अब इसको हम हल्का सा मैरिनेट करेंगे। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, बहुत ही थोड़ा थोड़ा, कि पनीर को हल्का सा हमें सेकना है। तो थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जिससे थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा हमारे पनीर का। तो ये है लाल मिर्च पाउडर, बहुत तीखी नहीं होती है तो आप इसको डाल सकते हैं आराम से। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो थोड़े थोड़े से मसाले और इसमें आधा चम्मच सरसों का तेल। जी हाँ, इन सबको अच्छे से इसमें मिला देंगे। पनीर को इसमें अच्छे से मैरिनेट कर दीजिए। इसको अब ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मिला के अब तुरंत हम इसको हल्का सा सेकेंगे। तो चलिए इसके लिए एक पैन चढ़ाते हैं गैस पे, और पैन को अच्छे से गर्म करने देना है। सरसों का तेल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये है कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, करीब एक चम्मच है ये। और अब इसको अच्छे से गर्म करेंगे। ये देखिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स को डाल के इसको आगे पीछे दोनों साइड से थोड़ा सा सेक लेंगे। ये देखिए, बहुत ही जल्दी होता है ये काम, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आपको। तो इस तरीके से पलट कर भी दूसरा साइड भी इसको अच्छे से थोड़ा सा कलर आ जाए बस। तो देखिए, पनीर ऑलमोस्ट तैयार है। तो चलिए अब इसको निकाल के हम साइड कर देते हैं, और अब हमें ग्रेवी की तैयारी करनी है। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया ये पनीर बनती है, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा मसाला अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से इस बार बनाइए दही वाला पनीर। तो चलिए, अब हम पनीर हमारा रेडी है, और अब हम बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी कैसे बनाएंगे, ये देखिए, पनीर सुंदर भी कितना लग रहा है। इस तरीके से पलट पलट के इसको थोड़ा सा हम सेक लेंगे दोनों साइड। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये वाली डिश, और इस रेसिपी से आप इस बार ज़रूर बनाइए। तो देखिए, पनीर कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। और अब इसको निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। चलिए, ये कढ़ाई में थोड़ा सा जो ऑयल बचा है, इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, और ये है थोड़ा सा साबुत धनिया। जी हाँ, साबुत धनिया का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इस बार आप साबुत धनिया डाल के देखिए। थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च भी डालते हैं। फटाफट बनती है ये पनीर, बहुत ही जल्दी बनती है। तो ये देखिए, थोड़ा सा धनिया, जीरा और लाल मिर्च, इन सभी को उसी बचे हुए तेल में हल्का सा भुनेंगे। अब थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से एक चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला, आधी चम्मच पिसी लाल मिर्च। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले जो है लगे नहीं। कसूरी मेथी भी थोड़ा सा और डालेंगे, कसूरी मेथी का भी पनीर में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें डालेंगे 3-4 चम्मच पानी, ताकि हमारे मसाले लगे नहीं। और अब इसको हमें भून लेना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है ये। तो ये देखिए, मसाला भी भून गया। अब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार रखें, बस एक दो बार और चलाएंगे। अब चलिए, अब हम ग्रेवी के लिए दही तैयार करते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी पूरा गाढ़ा दही लिया है, इसको अच्छे से फेंटना है। और ये है थोड़ा सा काजू का पेस्ट, इसमें हम डाल रहे हैं काजू, 7 से 8 काजू। इसको भिगोकर उसको मिक्सर में पीस लिया है और दही में मिला दिया है। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, बस इसको अच्छे से फेंटेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही ली है, 4 से 6 काजू का पेस्ट लिया है, हल्का सा नमक लिया है और थोड़ी सी चीनी। अब गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे और इस मसाले को ठंडा होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मसाला आपका बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। और ठंडे मसाले में फिर हम ये दही वाला घोल डालेंगे, जिसमें हमारा दही और काजू का पेस्ट है। तो बस अब इसको बराबर चलाते हुए ग्रेवी बनाएंगे। आपने देखा, इसमें ना ही किसी तरीके से प्याज पड़ा है, ना लहसुन, ना अदरक, और मसाले भी बहुत ही कम यूज़ हुए हैं। तो इसको बस बराबर चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। तो ये देखिए,
ग्रेवी हमारी थोड़ी पकी है अभी, इसको थोड़ा सा हम ढक देंगे और अच्छे से इसको पक जाने देंगे दही को, ताकि दही की जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें अब लिड लगाएंगे और इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ देंगे। ये देखिए हमारा ये ग्रेवी कितनी बढ़िया बॉयल हो गई है। तो अब चलिए बस पनीर क्यूब्स को डालते हैं। और आप ये देखिए दोस्तों, क्या आप कह सकते हैं कि इसमें किसी भी तरीके से मसाला नहीं पड़ा हुआ है ज़्यादा। तो ये देखिए अब इसको एक बार और ढक्कन लगा के 5 मिनट पकाएंगे। आप चाहें तो खुले में भी ये काम कर सकते हैं, फटाफट चलाते हुए इस तरीके से। तो बस एक तरफ फुलके बनाइए, नान बनाइए और ये पनीर फटाफट बनाइए और सबको खिलाइए, खुद भी खाइए। तो ये देखिए हमारी पनीर बिल्कुल रेडी है और देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी अच्छी है खाने में भी है। तो 2 मिनट के लिए मैंने ये ढक्कन लगाया है ताकि मसाले जो हैं और दही है वो सब अच्छे से पक जाए। तो चलिए पनीर हमारी रेडी है, अब इसको सर्व करते हैं। फटाफट बनने वाली झटपट दही वाला पनीर। तो ये देखिए क्या खुशबू आ रही है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। तो फटाफट ये दही वाला पनीर बनाइए और ख़ुद खाइए, सबको खिलाइए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं आगे भी आपके साथ तरह तरह की आसानी से बनने वाली रेसिपी शेयर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।